सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। आज हमारा लाइव इंटरव्यू सेशन जो है वो एक बहुत ही फन लविंग पर्सनालिटी के साथ है। ऑफ कोर्स अगर आप सभी ने देखा होगा मुझसे शादी करोगे जो कि कलर्स पर आता था, उसमें नवदीश कौर, जी हाँ पंजाब की नवदीश कौर, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया था, आज वो हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन होने वाली हैं बस कुछ ही देर में। जैसे ही वो आती हैं हम इंटरव्यू शुरू तो कर देंगे और आप सब अपने अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके दिल में हो सवाल। जैसे ही नवदीश हमें ज्वाइन करेंगी, आज मेरे गले में खराश है। स्टे हियर ओनली गाइज, बिकॉज बहुत जल्द नवदीश हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। जैसी नवदीश आएंगी, मुझसे शादी करोगे, डेफिनेटली इसी शो में हमने देखा था नवदीश को और सभी लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये शो सक्सेसफुल इसी रीज़न। पारस माहिरा का इंटरव्यू डेफिनेटली हम बहुत जल्द लाइनअप करेंगे बस कुछ ही दिनों में, सारे सेलिब्रिटीज का एक एक करके। हेलो नवदीश। आप हमेशा ही प्यारे लगते हो लेकिन। थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग वेट कर रहे थे कब नवदीश आएगी, मुझे तो लगा मुझे डांटना पड़ जाए यार 5 बजे बोल के 5:01 हो, क्योंकि आपको देखे बिना 1 मिनट भी नहीं गुजरता है फैंस का। तो सबसे पहले तो इतना सारा प्यार मिल रहा है आपको, यू नो इंडिया से, क्या कहना चाहोगे उस बारे में? बहुत मैं आपको बताऊं, मेरे को सिर्फ इंडिया से नहीं, मुझे अब्रॉड से भी इतना प्यार आ रहा है। मुझे कॉल आ रहे हैं लोगों के कि आप लाइक न्यूयॉर्क का एक रेडियो स्टेशन है, नो आउट ऑफ नो वेयर दे कॉल मी एंड सेड कि आप कॉमनर अभी सेलिब्रिटी बन। मैंने कहा हाँ, कहते हैं कि हमको आपका इंटरव्यू चाहिए। मैंने कहा हाँ यार ले लो, मेरे को क्या चक्कर है, ले लो मेरे तो मजे यार ले लो। मेरे तो मजे, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार। ऑफ कोर्स लाइक चुटकी वाला जो होता है ना, चुटकियों में जिंदगी सी बदल जानी, उस टाइप का हिसाब लग रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी, बहुत खुश। अच्छा, मुझसे शादी करोगे का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज लोगों ने तो आपको देखा ही शो में और कहीं ना कहीं जो आपका बबली नेचर है, क्यूटनेस है, जो उसने सबका दिल जीत लिया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझसे शादी करोगे का? यार पहले मतलब बाल सही लग रहे हैं ना? बाल सही लग रहे हैं, तुसी भी चंगे लग रहे हो। एक्सपीरियंस जो था मेरा लाइक बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला, बहुत क्रेजी सा एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ टाइम में दोबारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लाइक जैसे शुरू में मेरा ग्राफ था डाउन, जब मेरा फर्स्ट वीक जो था इतना रोना धोना बकवास मेरा। फिर उसके बाद जो मेरा ऊपर चलता गया धीरे धीरे, फिर ऊपर चलता गया, भाई ग्रुप की कृपा थी, ऊपर चलता ही गया फिर ग्राफ। अच्छा, जिस तरीके से लोगों ने आपको इतना ज्यादा प्यार दिया, आपने भी ऑफ कोर्स उतना ही एंटरटेन किया लोगों को घर के अंदर रहकर, सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आपकी किसके साथ हुई घर में? जितनी भी लड़कियां थी उनमें से सबसे ज्यादा क्लोजनेस आपकी किसके साथ हुई? अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं, मैं कहती हूँ कि बॉन्डिंग सिर्फ एक लाइक लव वाली नहीं होती है, डिफरेंट भी होती है। पारस के साथ तो थी, लेकिन अभी गर्ल का अगर पूछ रहे हो तो मेरा संजना गरगानी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। पता है क्या कैसा बॉन्ड था, मैं बताती हूँ। लाइक जैसे टॉम एंड जेरी वाला बॉन्ड नहीं होता, लड़ाई भी करनी है, साथ भी रहना है, लाइक उस टाइप का बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे शुरू में देखा होगा उसने मेरे को रुलाया, मैंने उसको रुलाया, फिर हम फ्रेंड्स बन गए, फिर दोबारा हमारे बीच लड़ाइयां, फिर हम दोबारा फ्रेंड्स बन गए। तो ये था। तो जैसे यू नो लोग बोलते हैं कि लड़ाई के बाद जाकर असली दोस्ती शुरू होती है, तो आपके और संजना के केस में भी वैसा ही हुआ है। पहले दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद दोस्ती इतनी गहरी हो गई। अच्छा, अभी भी आप सभी से कांटेक्ट में हो, जितने भी यू नो कंटेस्टेंट्स थे, जितने भी आपके को कंटेस्टेंट्स थे, सबके साथ कांटेक्ट में हो इस वक्त? सबके साथ नहीं, जैसे पारस हो गए, आंचल, शहजादा एंड संजना के साथ, लेकिन अभी संजना से नहीं हो रही बात। और मतलब लाइक है इंदीप बख्शी, रोहन, जसलीन, और बट ऐसा है कि जैसे मयूर का कल मयूर को भी मैसेज किया, उसने भी मैसेज का रिप्लाई किया है। ऐसा है कि जैसे लाइक अगर मैं मैसेज करूंगी तो रिप्लाई सबका आएगा, ऐसा है। जी, अच्छा, लॉकडाउन एक उस घर में लॉकडाउन था और अब एक बाहर निकल के लॉकडाउन हो गया है, तो कैसा फील हो रहा है लॉकडाउन से? भाई उस घर में ही सही थे हम लोग, वहां भी लॉकडाउन, यहाँ भी लॉकडाउन, से कसम से यार सेम, मतलब लाइक फीलिंग चेंज ही नहीं हो पा रही है।
तो ऐसा लग रहा है वो लॉकडाउन यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू ही हो रहा है, क्योंकि खत्म ही नहीं हो पा रहा है, बल्कि ये वाला ज्यादा बोरिंग है। वहां तो फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कभी चाहे प्यार हो कभी चाहे लड़ाइयां हो, कुछ ना कुछ चलता रहे। यहाँ क्या घर पे बैठे रहो, अपना बस देखते रहो क्या करना है क्या नहीं करना। जी अच्छा, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, यू नो पूरा इंडिया सफर कर रहा है, रादर पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है, तो इस वक्त आप अपना टाइम कैसे व्यतीत कर रही है, घर पे कैसे बिता रही है अपना टाइम? यार अभी मैंने लाइक बहुत सारी चीजें मैंने शुरू करी है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, क्योंकि पहले मेरा थोड़ा लाइक मैं थोड़ी चबी ज्यादा लाइक हेल्दी थी, तो अब मैं थोड़ा वो करी। अब देखो मेरे ये देखो जॉलाइन मुझे भी चाहिए यार, ये कट के जॉलाइन आनी चाहिए, कैसे आ रही है यार बता दो। यार मेरे मेरे पे बड़ी मुश्किल से आई है, मैं क्या बताऊं, बहुत मैं बहुत मेहनत में कर रही हूँ। पहले तो लाइक 10 मिनट में एक्सरसाइज करती थी, फिर अब मैं 30 मिनट करती हूँ, और खाना भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम खाऊं, लेकिन नहीं ये नहीं हो पाता। अब ये कंट्रोल करने की कोशिश, खाना कंट्रोल कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। यार मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती। लाइक मेरा रोज मैं ना रात को कुछ ना कुछ ऑर्डर करती हूँ कि घर पे ये सामान की कमी है वो सामान की कमी है, और मैं खाना मंगवा लेती हूँ और फिर मैं बना के खाती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैं खा लेती हूँ। हाँ ये सबसे पुण्य का काम है, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, हम खा लेते हैं। बाकी पतले अच्छा तो होते रहेंगे, पतले तो वो देखा जाएगा बाद में। अच्छा तो इस वक्त आप क्या कर कर अपना टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड करती हैं, एक्सरसाइज कर कर या टीवी वेब सीरीज देख कर या कुकिंग करके? टीवी वेब सीरीज तो मैं नहीं देख रही हूँ, कुकिंग फिर भी मैं करती हूँ। डांस अब मैं थोड़ा सा लाइक सीखने लगी हूँ, थोड़े मतलब जो बेसिक स्टेप्स है ना वो आने चाहिए। कल को आप किसी पार्टी में जाते हो आपको नहीं आता, फिर लाइक मेरे को ही शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो मैं सीख रही हूँ। और एक मैंने बीगो ऐप का कोलैबोरेशन, बीगो वालों का कोलैब के लिए आया था, तो मैंने वो कोलैबोरेशन शुरू किया है। वहाँ बीगो पे मैं लोगों से बातें करती रहती हूँ, टाइम पास होता रहता है, ये चल रहा है। अच्छा जिस तरीके से इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहली चीज नवदीश क्या करने वाली है बाहर जाकर, क्योंकि सारे लोग यार अभी तो आई ना आई बोर होए पड़े, जल्दी से जल्दी। लोग कह रहे हैं कि मैं पहले जाऊंगा तो मैं बाहर का खाना खाऊंगा, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो पहले मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा या मैं पहले पिज्जा खाऊंगा, तो आप ऐसी कौन सी चीजें सबसे मेरा ज्यादा मिस कर गोलगप्पे, रहे हो? गोलगप्पे 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 सेम यार कसम लगे मैं बता नहीं सकती, इतना मेरा मन करता है ना गोलगप्पे खाने का, इतना रोज मेरे को ना। और इस टाइम पे स्पेशली जब आप स्क्रॉल करोगे ना इंस्टाग्राम को, हाँ हर जगह गोलगप्पे, कोई गोलगप्पे गोलगप्पे दिख खा रहा रहे है, कोई गोलगप्पे खा रहा है, पता नहीं कहाँ से इनके पास इतना लाइक गोलगप्पे। मैं पता है मेरे को क्या लगता है, मैं घर पे बना सकती हूँ गोलगप्पे, लेकिन वो जो बाहर वाला गोलगप्पे का पानी का स्वाद है ना वो घर पे नहीं आता, वो अलग ही चाहे कितनी फीलिंग मर्जी देता है, कोशिश करो वो अलग जो बाहर फीलिंग के है, वो खाने की अलग फीलिंग टेस्ट है वो है, अलग ही है। अलग ही है। हाँ तो वो गोलगप्पे मैं सबसे पहले खाऊंगी, तो ऐसी कौन सूजी सी चीजें वाले। जो आपको ऐसी कौन सी चीजें जो आपको गोलगप्पों के अलावा सबसे ज्यादा आपका फेवरेट क्यूजीन हो? यूजुअली पंजाबी को परांठे पसंद होते हैं, बट आपको क्या पसंद है? परांठे तो हमारे घर पे रोज ही चलते हैं, परांठे की तो कोई चक्कर नहीं, नहीं लाइक नॉर्थ इंडियन तो हमारे घर पे बहुत बढ़िया बनता है, कभी आप आओ लाइक बहुत टेस्टी मम्मा नॉर्थ इंडियन बनाते हैं। खाने में मेरे को चाइनीज भी पसंद है, तो मेरे को मोमोज पसंद है, मोमोज नूडल्स बहुत बहुत याद आ रही है मुझे इन नूडल्स। चीजों की, बहुत ज्यादा मोमोज की तो बहुत ज्यादा याद आ रही है। और बदकिस्मती ऐसी है कि जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हो वैसे कोई ना कोई बना रहा है, फोटोज आ रही हैं, लोग मिस कर रहे हैं खाना। हमारे साथ जब हम रोज जाते थे खाने मोमोज गली की नुक्कड़ पे, क्या हो अब वो ना रही वो गलियां और ना ही रहे वो नुक्कड़ और ना ही अब वो खाने का सामान मिलता है। कोई कुछ भी नहीं रहा सच्ची में। बट यहाँ पर फैंस बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, एक फैन ने आई थिंक नाम मैंने मिस कर दिया, तो उन्होंने पूछा है कि क्या पारस और माहिरा रिलेशनशिप में है? भाई ये इनको कैसे पता होगा, आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, बट फिर भी ये फैन मेरे ये को सवाल नहीं पूछ रहे, क्या पता कहोगे होगा, आप? बट हाँ अगर आप लोग पूछ रहे हो, देखो रिलेशनशिप एक लाइक सिर्फ यही नहीं होता कि लाइक आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, है ना। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में है वो लोग, लेकिन वो कौन सा रिलेशनशिप है उतना मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा वाला रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है। जी अच्छा, अब जिस मैं ये तरह बोल का दूं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मुझे नहीं पता, तो मैं क्यों झूठ बोली जाऊं और जिस कि तरह का हाँ है। आपने घर में यू नो एक स्टार्डम मिला, पब्लिसिटी मिली, इतनी ज्यादा यू नो पॉजिटिव पब्लिसिटी मिली, तो आपने एक्सपेक्ट किया था घर के अंदर जाने से पहले कि इतना कुछ चेंज हो जाएगा लाइफ में? आई स्वेयर विद्या रानी का समझ गया, लाइक मुझे इतना जरूर पता है कि एंडमॉल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, बट जब तक आपके साथ वो नहीं होता आप नहीं एक्सपीरियंस। मैं जी अभी भी सोचती हूँ लाइक सीरियसली
लाइक सीरियसली नवदीश तेरे साथ ये हो गया? मतलब वो होता है ना, लाइक मेरे को अभी भी वही होता है, मैंने कभी नहीं मालूम किया, मैंने किया ही नहीं। क्या मैं चाहती थी? बहुत, बचपन से मैं चाहती थी कि मेरे को लोग जाने, मैं सेलिब्रिटी बनूं। विद्या रानी कसम लगे, मैं हमेशा ही ना जब भी प्रे करना, हाय भगवान जी मुझे भी पॉपुलर बनाओ, हाय भगवान जी मैं भी ना कि लोग मेरे को जाने, वो जरूर होता था, लेकिन वो रियलिटी बनेगी ये कभी मैंने नहीं सोचा था। ऑल्सो यहाँ पे एक फैन क्लब, आई थिंक पाहिरा फैन क्लब ही है, उन्होंने पूछा तीन चीजें बताइए पारस के बारे में। पारस के बारे में, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हैंडसम, क्यूट। मैं बोल रही हूँ भाई तीन ही है, बहुत चीजें बंदी बोलती रहेगी, पारस के बारे में बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ। तो पारस, जैसे आपने कहा पारस के साथ यू नो इतनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो गई थी, पारस के बारे में एज अ फ्रेंड, एज अ यू नो को कंटेस्टेंट या एज अ को वर्कर, जितना भी आप लोगों ने साथ में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था पारस के साथ? जो आप सोच कर गई थी बाहर से कि पारस के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग होगी, क्योंकि शो ऑफकोर्स यही था कि पारस के लिए स्वयंवर था, तो वैसा जैसा आप पारस को सोच कर गई थी वैसे ही निकले पारस? बिल्कुल अलग। मैं ये बहुत बार बोलती हूँ कि लाइक जब मैं गई थी मुझे ऐसा लगा था कि उनमें बहुत ज्यादा ईगो होगा या लाइक मुझे ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाएंगे कि मतलब लाइक नॉर्मल सी तो मैं हूँ, मेरे में क्या इतनी कोई बात इतना नहीं, मेरे जाऊंगी कोई ऐसा लगता था। लेकिन मैं बता नहीं सकती, वो बंदा वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था। इतना डाउन टू अर्थ बंदा, इतना कंफर्टेबल फील कराया पूरा जर्नी में, इतना कंफर्टेबल फील कराया। इनफैक्ट जब मेरे को लगता था ना यार मैं तो सबसे कम हूँ या कुछ भी, लाइक कभी कभी होता है ना खुद में ही वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ऐसा ह्यूमन होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरे साथ ऐसा होना, उसने मेरे को बोलना कि तू क्या, तू पागल है, पागल है, तू ये सोचते तू पागल है, तू यहाँ तक आई है, तू सबसे बराबर है, बल्कि मैं बोलता तो इन सबसे बेटर है। बहुत बढ़िया था, तो कॉन्फिडेंस उस बंदे ने बहुत दिया मुझे। ऑल्सो जैसे ही यू नो शो शुरू हुआ, सबसे पहली कंटेस्टेंट जिसको लाइमलाइट मिली थी वो आप थी, यू नो स्टेज पर आते से जितना आपने बोला, तो आपने आपने खुद भी इमेजिन किया था कि शो में एंटर होते ही सबसे ज्यादा लाइमलाइट मुझे ही मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं यार, ओ गॉड, मुझे तो शर्म, पता है मैं क्या, पता है क्या, मेरे को थोड़ी शर्म भी आती है। मैं अपने शुरू के एपिसोड नहीं देख सकती, मुझे मुझे पता नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे रोना आ जाता है। मैं नहीं देख ऐसा क्यों, लेकिन पता नहीं। अच्छा, जिस तरीके से यू नो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी भी आ गई कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, उसको भी आपने इतने स्ट्रांगली हैंडल किया, यू नो इतना पोलाइटली और स्ट्रांगली आपने बताया कि मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ। यूजुअली एक जो तरीका होता है पंजाबी लड़कियां जिस तरीके से होती है नो बबली, जिस तरीके से उनके बात करने का तरीका होता है, वो अगर दो लड़कियों का मिलता जुलता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं कॉपी कर रही हूँ किसी को, राइट? हाँ, तो उस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत लोग जो है वो ट्रोल करते रहेंगे इन चीजों पे, जिनका कोई काम नहीं है वही, तो वो ट्रोल करते रहते, तो क्या कहोगे उनके लिए फिर? करो, अगर उनको खुशी मिल रही है बाबा जी करे, वो खुश रहे, करते रहो ट्रोल जितना मर्जी करना है, मैं कह रही हूँ जिंदगी भर करते रहो, मुझे क्या, खुश रहो, मेनू की फर्क है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बोल रही थी कि हाँ, अगर आप लोगों को खुशी मिलती है, जो खुशी मिलती है करो, कोई चक्कर नहीं, जिंदगी में जिस चीज से खुशी मिले करो, क्योंकि एक ही लाइफ हमें मिली है। अगर मुझे लाइक गन बोल के भी अच्छा लग रहा है आपको, तो खुश रहो, क्योंकि मुझे नहीं बुरा लगता, तो आप बोल सकते हो। अब मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, तो आप बोल सकते हो। लेकिन मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो हाँ, शुरू में जैसे मैंने सूट पहना था, इंस्पायर्ड था यार, क्यों मैं झूठ बोलूं, क्योंकि मैं कुछ भी पहन सकती थी, क्यों ही मैंने सूट पहना, क्योंकि वो था इंस्पायर्ड। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मैं ही हूँ, हूँ मैं वही। अब आप मुझसे पंजाबी में बात करने लग जाओगे, मैं पंजाबी में पूरा बात करूंगी, आप मुझसे इंग्लिश में बात करोगे, मैं इंग्लिश भी अच्छे से बोलूंगी, आप मुझसे जैसे बात करोगे ना, मेरी इनफैक्ट लैंग्वेज में कभी आपको उर्दू भी नजर आएगी, कभी आपको लाइक कभी मतलब लाइक बहुत समझा नहीं सकती मैं, मतलब समझ जाओ क्या हिसाब है, बट मैं समझा बेसिकली ये एक ऐसा नेचर है ना कि सामने वाला बंदा जैसा होगा वो चीज में अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं खुद भी वैसी बन जाऊंगी इंस्टेंटली। जैसे अभी आपको और मेरा लाइक मैं अब कनेक्ट कर रही हूँ आपसे, बात करने में मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे बात करूंगी। अब आप थोड़ा मुझसे सोफिस्टिकेटेडली बात करोगे तो फिर मैं भी उस हिसाब तो वैसे बात करेंगे, एग्जैक्टली आई टॉक लाइक दैट, है ना, एक्सेंट मार मार के बकवास इंग्लिश। ओ या, ओ या, यू गेट इट? या आई गेट इट, टोटली गेट इट, या।
यूजुअली क्योंकि ना ये चीज जैसे आपने अभी बोला ना, जब शो भी देख रही थी तब मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की थी कि शहनाज जैसे कभी हम होते हैं ना टिकटॉक बना लेते हैं और डायलॉग कॉपी कर लिया शहनाज का, ये वो, तो काफी लोग बोलेंगे कि तू तू तो बात भी वैसे ही करने लगे, तू कॉपी करती है शहनाज को. ऐसा नहीं है, वो एक नहीं चीज है जो है हम सबके अंदर, जो कई लड़कियों के अंदर होती है. कोई कोई लड़कियां होती हैं बड़बोली, कोई कोई किसी किसी में नेचुरली इनोसेंस होता है. तो लेकिन जब आपको एक मेजर पिक्चर दिख गई शहनाज गिल की, तो आप सब उससे कंपेयर करेंगे. कोई ये तो नहीं बोलेगा कि अरे नवदीश की कोई शहनाज को जाके नहीं बोलेगा कि तुम नवदीश की तरह लग रही हो या तुम ज्योति की तरह लग रही एग्जैक्टली. हो. और पता है क्या, मैं आपको बताऊं, शो से पहले हमेशा, जैसे लाइक जब शहनाज गिल नहीं आए थे ना, उससे पहले लोगों जी ने हमेशा कहना कि तू जब भी मेट की गीत है, तो हाँ किसी ना किसी से, क्योंकि ये पर्सनालिटी है यार, ये पर्सनालिटी काफियों में होती है, सिर्फ मुझ में नहीं. मैं कितनी गर्ल्स को जानती हूँ जो मेरी तरह है. अब राइट उनको मैं ये थोड़ी बोलूंगी तू तो मेरी कॉपी करी, ये पर्सनालिटी है यार, उनकी इतना पर्सनालिटी कोई है. राइट इतना वो नहीं करते. बाकी अच्छा जिस जिसको जो तरीके बोलना है वो से तो उसने बोलना ही है, बोले जाओ. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का हम तो काम है कुछ नहीं कर सकते. कहना. अच्छा अच्छा इसके बाद मुझसे शादी करोगे के बाद जिस लेवल की पॉपुलैरिटी और स्टारडम मिला है, उसके बाद हम आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं? क्योंकि फैंस तो बहुत जगह देखना चाह रहे हैं कि इसके बाद लॉकडाउन खत्म होगा, नवदीश किन किन चीजों की शूटिंग शुरू करेंगी. तो कुछ चीजें हैं जो ऐसा कुछ है कि चीजें लाइनअप है, या आपकी बातचीत चल रही हो कि चलो ठीक है ये शो या वो शो, ऐसा कुछ है जो फैंस को बताना चाहेंगे? यार ऑनेस्टली मैं लाइक अभी मेरी टीम मेरे को काफी सारी चीजों के लिए बोलती है कि इसके लिए बहुत भेजना है, प्रोफाइल भेजनी होती है, कुछ ऐसा प्रोफाइल भेजनी होती है, कुछ ऐसा होता है ना. जी अब मेरा कभी मेरा फोटो शूट नहीं हुआ, तो मुझे पहले तो अपना फोटो शूट करवाना है, क्योंकि जब भी आपको प्रोफाइल भेजनी होती है ना, आपको लाइक वो भेजना होता है, अपनी पिक्चर्स भेजनी होती है. तो देखते हैं क्या होता है, अभी मैं आई एम नॉट श्योर. राइट और अभी फिलहाल आप अपने वेट का या अपनी स्किन का किस तरीके से घर पे ध्यान रख रहे हो? क्योंकि लॉकडाउन है तो बहुत लोग तो इस टेंशन में जी रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होते तो कैसा ना हो जाए कि हमारा वेट 4 गुना बढ़ जाए, हम बाहर ही ना निकल पाए क्योंकि घर पे बैठे बैठे हाँ मैं खाना ही है. बताती हूँ, तो आप कैसे हाँ मैं ध्यान रख बताती रहे हूँ, हो? बहुत लाइक मैं नुस्खे बताती हूँ. मैं लाइक एक नुस्खा जो मैं बचपन से यूज कर रही हूँ, जैसे लाइक मेरा ये चीज देखोगे, मेरा ये चीज हमेशा ही रेड रहता है. अब मैं हाँ उसका एक सीक्रेट पिंकिश बताऊंगी, पिंकिश ग्लो रहता है. हाँ हाँ मैं उसका एक सीक्रेट है, बताऊँ? बता दो, बताऊँ? आज मूवीज अड्डा पे खुलासा हो ही जाए. लड़कियों खुलासा सुन कर लो दूँ? ध्यान से. बहुत कसम लगे, बहुत बहुत यूज आएगा. चुकंदर होता है ना, चुकंदर, हाँ उसको आपने मैश कर, ऐसे ऐसे करना है, ग्रेट करना है, और पानी को निचोड़ लेना है. अब उस पानी को आपने रोज रात को यहाँ पे लगाना है. अगर खा सकते, वैसे मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि ज्यादा खाओ, क्योंकि अगर ज्यादा खाओगे ना तो पेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो खाओ मत, यहाँ रोज लगाओ. वन वीक में इफेक्ट मिल जाएगा, और वो ऐसा इफेक्ट, नेचुरल इफेक्ट, बहुत वाओ, बढ़िया. तो ब्लश खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट मत जरूरत करो नहीं है, ब्लश जरूरत नहीं खरीदने है. पे. इधर सस्ता और 10 रुपए टिकाऊ उपाय, का टिकाओ, सस्ता और टिकाऊ जो इंडियंस और प्रेफर उसको ये करते हैं यूज वैसलीन में करना. भी डाल लोगे तो आपका टिंट भी बन जाएगा, लिप टिंट भी बन जाएगा. ये वही वाला लिप टिंट तो नहीं है जो अभी आपने लगाया है? ये इतना सच्ची डार्क वाला नहीं है. है, नहीं, ये सच में, ये लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक है. राइट अच्छा जब आप मुझसे शादी करोगे के घर से निकली, तो ऐसे क्या कमेंट्स थे जो आपकी फैमिली के थ्रू या आपके फ्रेंड्स के थ्रू आए जो आपको आपके दिल को छू गए कि यार अब तो मैं यार सेलिब्रिटी बन गई, यार फेमस हो गई मैं? वो एक वो क्या चीज थी जब कैसे फीलिंग आ गई सबसे इंस्टेंटली? पहला मैंने एक, जो मेरा फर्स्ट फैन मोमेंट था ना, वो मैंने कैप्चर भी किया था. मैं बैठी हुई हूँ रेस्टोरेंट में एंड लोग मेरे को देख रहे हैं, लोग मेरे को एक अजीब, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था. वो तो क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है. सब मेरे को देख रहे हैं और मेरे को थोड़ी लाइक शर्म भी आ रही, लेकिन मैं लाइक मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्या रिएक्ट करूँ. एक कपल था, एक कपल कंटिन्यूअसली लाइक ऐसे ऐसे देख रहा था, और फोन मेरे को समझ आ रहा था कि उनको पिक्चर क्लिक करानी है. तो मैंने उनको बोला, मैंने मतलब लाइक जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ, तो मैंने एक तो स्माइल करी, फिर उन्होंने स्माइल करी, फिर उन्होंने मतलब लाइक फोन दिखा के कि पिक्चर, मैंने कहा आओ आओ, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, आओ. फिर उन लोगों ने मेरे साथ पिक्चर क्लिक कराई. वो वाला मेरा जो फर्स्ट फैन मोमेंट था, वो मेरे को हमेशा ही याद रहेगा. उसके बाद फैमिली वाले जो बोलते हैं, फैमिली वाले कहते हैं कि लाइक हमने यकीन ही नहीं, मतलब हमें यकीन ही नहीं हुआ कि तू एंड, क्योंकि जो फर्स्ट वीक था ना, फर्स्ट वीक में सबको लगा कि मैं सबसे पहले निकल जाऊंगी, हाँ लेकिन बहुत मैं लोगों ने एंड सोशल मीडिया तक पर यही कहा निकला. था. जी एंड तक एग्जैक्टली ये तो सबसे पहले, हाँ ये तो सबसे पहले निकलेगी.
फिर मेरे को रियलाइज हुआ एक चीज का कि जब तक किस्मत में जो आपका है, जितना लंबा आपका किस्मत में है, आपको मिलना ही मिलना है. मैं कहती हूँ पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए या पूरी दुनिया मेरे साथ हो जाए, लेकिन अगर वाहेगुरु ने कुछ लिखा है वो होना ही होना है. सो फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, वो वाहेगुरु ने लिखा है तब भी पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस हुआ है ना. जी इंदीप ने ज्वाइन कर लिया और इंदीप ने आपके लिए लिखा है क्या बात क्या बात. इंदीप ने ये भी लिखा है ब्लेस यू. बहुत बढ़िया बंदा है इंदीप बख्शी, इज लाइक अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग. ये एक बंदा है लाइक वेरी नाइस. अच्छा इंदीप के बारे में चलिए तीन चीजें बता दीजिए जो फैंस भी आई थिंक जानना चाहेंगे. इंदीप भी अभी यहाँ पे है तो मैं पूछवा लेती हूँ, इंदीप के बारे में तीन चीजें बताइए. एक पहली बात इंदीप की, इंदीप का जो मेरा जो पहला लुक था ना, मेरे को लगा कि कितना लाइक, क्योंकि लाइक टैटू वैटू लुक पूरा कि यार ये तो बड़ा हाई फाई सा होगा या बिगड़ैल टाइप का. लेकिन इंदीप सबसे पहला दिल का लाइक सॉफ्ट, बहुत लाइक कि इस बंदे को कोई हर्ट कर देना मेरा दिल दुख देगा, वैसा इसका दिल पहला, मतलब सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. सेकेंड ही इज ऑनेस्ट. अगर आपका फ्रेंड है ये, ही इज वेरी ऑनेस्ट. अगर आपका फ्रेंड है और आप अगर कुछ गलत करते हो वो आपको समझाएगा, लेकिन वो आपका स्टैंड भी लेगा. कितने इंस्टेंसेस हुए थे घर पे कि इस बंदे ने स्टैंड लेना फिर समझाना कि पता है क्या इसको ऐसे हमने करना चाहिए था. तीसरा ही इज डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. तो मुझे अभी भी याद है मेरे को लाइक मेरे लेवल पे या मेरी औकात पे कभी बात होनी, ही वॉज द पर्सन जो मेरी फर्स्ट फाइट हुई थी, इसने बोला कि मतलब लाइक क्या बनता है, लेकिन इस बंदे ने बोला कि वाहेगुरु बहुत बड़ा है, कभी किसी के औकात पे मत जाओ, आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या हो जाए. सो ये चीज मुझे अभी भी मेरे दिल पे है ये बातें, एंड आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन. तो इंदीप के बारे में तो इतनी सारी बातें कर दी आपने, इस लॉकडाउन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से देश में इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो उस चीज को लेकर आप क्या बोलोगे? काफी लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, काफी लोग नहीं पालन कर रहे हैं. यार जो नहीं कर रहे ना उनसे ज्यादा पागल और बुद्धू लोग कोई नहीं है. रीजन फॉर दैट इज अभी तक कोई ऐसा ठोस इलाज आया नहीं है ना कोरोना वायरस के इलाज का जो भी है. तो ये वन जो है, वन को इन्फेक्ट किया वो अगर 100 इन्फेक्ट हो रहा है वो 1000 होगा, लैक्स में जाएगा, और ऐसे करते करते कोई बड़ी बात नहीं कि पूरा इंडिया इन्फेक्ट हो जाए या पूरा वर्ल्ड इन्फेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना. तो बहुत जरूरी है लॉकडाउन का, नुकसान सबका हो रहा है. लोग कहते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, हम भी घर पे बैठे. मैं कह रही हूँ एक एक पर्सन का नुकसान हो रहा है लॉकडाउन. तो ये मत सोचो कि आपका नुकसान हो रहा है तो आप चले जाओगे बाद में, तो जाओ, सबका ही नुकसान हो रहा है, सबका ही नुकसान हो रहा है. तो मतलब हम सब सेम पेज पे ही है, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. राइट हम सब जैसे हिंदी में कहते हैं हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं फिलहाल, क्योंकि ये जो भी हो रहा है. लेकिन एक चीज अच्छी हो रही है कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सही हो गया है, तो उस चीज पर आप कुछ बोलोगे? इन्वायरमेंट बहुत सही होता जा रहा है, लोग अंदर बंद है पर बाकी सब बाहर खुलेआम है. हाँ यार कुदरत देखो, लाइक अब जब नेचर एकदम सही हो गया तो हमें कुदरत, हमने इतना गलत किया नेचर के साथ कि अगर हमें अब बाहर भी जाना पड़ रहा है तो मास्क पहन के जाना पड़ रहा है. इतना कुदरत हमसे लाइक नाराज है कि इतना हमने एक्सप्लॉइट किया है नेचर को. बट आई एम रियली हैप्पी कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा अर्थ है, रिजुविनेट कर रहा है और सारी चीजें अब बेहतरीन हो रही है. अब मैं बाहर बालकनी में खड़ी भी हूँ ना, मेरे को आसमान क्लियर दिखता है. आसमान क्लियर दिखता है, सुबह सुबह आप सुबह उठते हो तो चिड़िया की आवाज सुनाई देती है आपको, पे 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 गाने की अच्छा लगता है. सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, पहले कभी नहीं सुनाई देती थी, अब बहुत अच्छा लगता है मुझे. राइट अच्छा ठीक करते रहते हैं. किसी ने यहाँ पे एक फैन ने कुछ क्वेश्चन बोला, आई थिंक आई मिस्ड इट, किसी ने तो भी एक सवाल आई थिंक पूछा था कि पारस के अलावा कौन ऐसा एक मेल कंटेस्टेंट है जिसके साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, जिसके साथ आपकी जिंदगी भर दोस्ती रहेगी. मैंने काफी अपनी काफी इंटरव्यूज में पूछा है कि अगर पारस के अलावा कोई आपका फ्रेंड बना तो वो कौन था. इंदीप ही था मेरा वो फ्रेंड, इंदीप ही है वो मेरा फ्रेंड जिनके साथ वो कनेक्शन बना. क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं आपकी और इंदीप की जोड़ी अच्छी लगती है. अच्छा फ्यूचर में हम आपको और इंदीप को एक साथ देख सकते हैं, कोई म्यूजिक वीडियो करते हुए या कोई सॉन्ग शूट एक साथ करते हुए देखा जा सकता है, फैंस ऐसा पूछ रहे हैं.
यार अभी तो नो आइडिया मेरे को, कोई कुछ भी नहीं पता, जैसे मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं पता, बट वाहिगुरु ने चाहा तो ऑफकोर्स यू नेवर नो, वाहिगुरु ने चाहा यू नेवर नो मैं मतलब लाइक सलमान खान के किसी मूवी में आ जाऊं, वाहिगुरु ने चाहा तो यू नेवर नो मैं जॉनी डेप की मूवी में आ जाऊं, नहीं पता यार, कुछ नहीं पता किसी का. भगवान चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है. और जैसे आपने अभी सलमान जी की बात की, तो सलमान एज एन एक्टर आपको बहुत पसंद है शायद, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत पसंद, मुझे पता है क्या, मुझे और ज्यादा कब पसंद आए थे, कब आते हैं, जब वो बिग बॉस में वीकेंड के बार पे आते हैं ना, हर किसी का दिल आता है उनपे जब वो वीकेंड का बार पर आते हैं. मतलब दिल ऐसे ना धक धक होने लग जाता है उनको देखते ही, जैसे वो एंटर होते हैं ना, ऐसा लगता एंटर है होते हैं बस थम जाए टीवी. और पता है क्या मेरे को अच्छा लगता है, और जब लाइक जब वो सबको डांटते हैं ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है. और खास करके जब उस कंटेस्टेंट को डांटते जिसको हम चाह रहे हो कि डांट पड़े, तो और भी ओह बहुत. माय गॉड, आई स्वेयर सीरियसली, फिर मेरे को ऐसा लगता है वाओ यार सलमान खान तो हमारे जैसे ही हैं. उनकी सोच इनको भी भी वही हमारे फील हो रहा जैसे है, इनको भी वही फील हो रहा है जो हमें फील हो रहा है. हाँ. यहाँ पे किसी एक फैन ने पूछा है कि शहनाज के बारे में कुछ बताओ, शहनाज के बारे में कुछ बताइए कि उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा था. अच्छा था यार बॉन्ड, हार्दिक, हार्दिक ने ये सवाल पूछा है. फर्स्ट 2 वीक्स में, उन्होंने मेरा बहुत लाइक, जब मेरा कॉन्फिडेंस लो था पेरेंट्स के साथ, उन्होंने भी मेरे को बहुत अपलिफ्ट किया, बहुत उन्होंने समझाया, जैसे मैंने रोना तो उन्होंने मेरे को समझाना कि रो के मत जवाब दे, जवाब दे, रोना नहीं है, रोना नहीं है, ऐसा तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुएगी, रोने का कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया. और शहबाज के साथ एक कैसा बॉन्ड था शहबाज, क्योंकि शो में हालांकि शहबाज के लिए ना ही वो शो था, मतलब ना शहबाज के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी, ना ही शहबाज वो लड़के थे जिनके लिए लड़कियां आ रही थी. उसके बाद भी शहबाज एक बहुत ही पॉपुलर नाम हो गए इस शो के बाद से, तो शहबाज के लिए कुछ कहना चाहोगे? बहुत फन लविंग बंदा है वो, ही इज अ नाइस पर्सन, बहुत लाइक हमने भी बहुत प्रैंक किए, जैसे संजना का प्रैंक था एंड हम दोनों की लड़ाइयाँ, मेरे को वो मतलब जैसे मेरा पाजी है ना, मेरा जो बिग ब्रदर है, मेरा बड़ा भाई है जैसे, वो भी मेरे को जैसे मारता था लाइक कि सॉरी बोल मुझे, सॉरी बोल, जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक मारने लगूंगा, तो उस टाइम वाला अच्छा बॉन्ड, मतलब अच्छा नाइस नाइस बॉय है. बाकी शो में तो देखो, देखो वो सब होता ही है, कभी लाइक जब एक घर में रहते हो लड़ाइयाँ तो होनी होती है, लड़ाइयाँ तो बर्तन होती है खड़कते हैं, जी. वो बातें और है, इतना कोई चक्कर नहीं. अच्छा, फैंस ने जैसे आपने कहा इतना सारा प्यार आपको ऑलरेडी दिया ही है, मम्मी पापा से कैसा रिस्पांस मिलता है? मम्मी पापा ऐसे देख के बोलते हैं अरे मेरी बेटी तो स्टार बन गई. मम्मा तो हाँ खुश है, तो मेरे डैड का लास्ट ईयर मई के मंथ में वो उनका वो एक्सपायर हो गए थे, बट उनका हमेशा से ही था कि तू सेलिब्रिटी बन, मतलब लाइक वो चाहते थे कि मैं ना पॉपुलर हूँ. इनफैक्ट उनको उनके मतलब लाइक डेथ से 3 मंथ पहले नवदीश तू बनेगी, तू जरूर बनेगी, बहुत बड़ी स्टार बनेगी. तो मेरे को लगता है कि जहां भी है मेरे डैड, जहां भी है वो बहुत खुश होंगे उनको देख के, मेरे साथ डेफिनेटली ही है, मैं तो कहती हूँ मेरे साथ ही है वो. वो तो खुश है ही, और फैंस भी आपको देख के बहुत खुश होते हैं. आपके टिकटॉक भी इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं, लोगों को बड़े पसंद आते हैं टिकटॉक, तो टिकटॉक बनाना पसंद है आपको? इस मोमेंट पे आप टाइम पास टिकटॉक के साथ करिए, क्योंकि काफी लोग टिकटॉक ही बनाकर टाइम पास कर रहे हैं. मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ बहुत, लाइक जैसे फनी फनी से जो आजकल से चल रहे हैं, अच्छा टाइम पास हो जाता है, लोगों के देखो फिर बनाओ. मैं तो दूसरे लोगों को देख के जो मेरे को अच्छे लगते हैं मैं वो पोस्ट भी कर देती हूँ. अभी एक बेबी का एक कोई ईशा नाय नेम के है, उनकी बेबी इतनी क्यूट लगी, मैंने उनका वो कर दिया, अपने टिकटॉक पे डाल दिया, तो टाइम पास जी. चल ही जा रहा है. अच्छा नवदीश, क्या क्या कुक कर सकती हैं, क्या क्या खाना बनाना आता है आपको? ये कुकिंग मुझे सारी आती है, मेरे को कुछ भी बोलोगे कुकिंग मेरे को आती है, कुकिंग का कोई ऐसा चक्कर नहीं है. आज ही मैंने बल्कि मलाई पड़ी थी, मलाई खराब हो रही थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, टमाटर थे, ब्रेड पड़ी थी, तो मैंने सबको मिक्स करके वो पिज्जा नहीं होते सैंडविच वाले पिज्जा, वो बना दी मैंने. तो मैं बड़ी क्रिएटिव सी हूँ खाने पीने के मामले में. यहाँ पे एक नवदीश, एक फैन कमेंट आया है जिन्होंने बोला है कि आंचल खुराना ने जो बात बोली कि शहनाज का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्या ये बात सच है? इस बात पर आप कुछ कहना चाहेंगी? ये या कौन बताता है, मैं फैंस ये कमेंट्स जो आप लोग करते हो आपको कौन सच बताता है ये में सारी बातें? ये, हाँ मेरे को भी बताओ यार, मतलब क्या मेरे को तो खुद नहीं पता कुछ ऐसा है तो.
नो आइडिया यार, मुझे नहीं लगता अंशल ने कुछ ऐसा बोला होगा, कुछ और कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला होगा, क्योंकि अंशल को भी जो पता होगा अंशल भी वही बोलेगी, पर वो थोड़ी कुछ ऐसा गलत बना के बोलती है, वो भी बहुत सोच रही लड़की, मुझे नहीं लगता होगा, बाकी मेरे को नहीं पता बोला भी होगा तो नो आइडिया जी। रिंकू और जिसने बोला है उन्हीं से पूछा जाए तो बेहतर है, आप लोग नवदीश से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा एक फैन है रिंकू जिन्होंने पूछा है, नवदीश जी संजना से बात होती है क्या, बताओ। बात होती है लेकिन अभी थोड़ी जैसे लाइक वही ना, थोड़ा लाइक हमारा रिलेशन कैसा था, कभी लड़ाई कभी प्यार, कभी लड़ाई कभी तो अभी भी थोड़ा वैसा ही है हमारा, बट वो बहुत दिल के बहुत अच्छे, शी इज वेरी स्वीट, जो है लाइक मुंह पे बोल बोल के कोई चक्कर नहीं जी। अच्छा जब मैंने जसलीन से बात की, जब मैंने मयूर से बात की, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सारे एमएसके वाले फ्रेंड्स हम लोग एक गेट टुगेदर करने वाले हैं, एक रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन तुरंत शुरू हो गया और इसके चलते शो भी बंद जल्दी करवाना पड़ गया, तो हम सब अच्छे से मिल नहीं पाए, तो आप भी इस बात को मानती है कि आप भी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सारे फ्रेंड्स मिलकर एक बार रीयूनियन करने वाले हैं? ऑफ कोर्स यार ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक शो के बाद लाइक सब लोग रीयूनाइट होते हैं, तो ये वाला तो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बंद भी हो गया एंड कोई अब हम मिल भी नहीं पाए, ऑफ कोर्स रीयूनियन होगा, मैं जरूर जाऊंगी, हम सब जरूर मिलेंगे और हम उम्मीद ये करेंगे कि रीयूनियन हो जल्दी, क्योंकि फैंस आप सबको एक साथ देखना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच नवदीश हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, और जैसा आप जैसी आप हैं हमेशा वैसे ही रहिएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। We don't care. Or, we don't care. Yeah, whatever. Yeah, whatever. तो lastly fans को क्या कहना चाहेंगे आप? बस सारे दोस्तों घर पे रहो। मैं बोलती हूँ कि मैं मेरे fans नहीं मेरे fan है, मतलब like मेरी family वाले, because family वाले ही होते हैं जो चाहते हैं कि आप बढ़ो आगे आप बढ़ो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग मेरे fan हैं। So guys, too much of love to every single person, too much of blessings मेरी side से, क्योंकि मैं blessings और prayers में बहुत believe करती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहो, मैं प्रे करूंगी आप लोगों की खुशी के लिए, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो और लाइफ में एंजॉय करते रहो, कहीं आपको नेगेटिविटी कहीं भी दिखे बिल्कुल फैलानी नहीं है, हमेशा मैं बोलती हूँ ये दिल है ना, दिल हमेशा बना के भेजो, कहीं भी आपको नेगेटिविटी दिखे, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो किसी और के लिए हो, पॉजिटिविटी फैलाओ। ओके माय डियर डार्लिंग्स, लव यू, लव यू ऑल। ऑल्सो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नवदीश आपको बिग बॉस सीजन 14 में देख सकते हैं क्या? अब ये तो भाई मैं भी चाहती हूँ ऐसा हमें देखने को मिले, आपको ऑफर आया तो आप जाओगे? यार यार क्या बात कर रहे हो यार, पता है क्या, मैं बताऊं एक बात, सवाल है, डेफिनेटली जाऊंगी। तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैं बताओ बताओ बताओ, 4 साल मैंने बिग बॉस का ऑडिशन दिया, मैं हमेशा रिजेक्ट हुई हमेशा, तो अगर अब मिलेगा ऑफ कोर्स यार मैं क्यों नहीं जाऊंगी, तो मैं फिर नेकी और पूछ पूछ पे तो लपक के जाऊंगी मैं, इस बार तो जाना ही जाना है, बिग बॉस के घर तक चले गई, बिग बॉस सीजन में भाग के जाऊंगी, डुन 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 करके भाग के जाऊंगी डेफिनेटली। और मुझसे शादी करोगे, मैं आपको इतना ज्यादा प्यार मिला है, तो बिग बॉस में भी मुझे लगता है कि जब आप जाओगे बिग बॉस में आपको और भी ज्यादा प्यार मिलेगा। और थैंक यू सो मच हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, आई होप कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो बात करके, बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच, कोई भी अंडरशर्ट सवाल ना पूछने के लिए, आई लव यू टू, क्योंकि मुझे पता है मतलब इतना स्ट्रेस चल रहा है ऑलरेडी देश दुनिया में, फिर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछो, सेलिब्रिटी भी परेशान, हम भी परेशान, तो इससे बेटर है लाइटर नोट पे बात करो, मौज मस्ती करो, अच्छी बातें करो कि देखने वालों को भी अच्छा लगे, बाद में अपलोड हो तो एटलीस्ट स्माइल बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी, और आपको भी एटलीस्ट ये लगेगा कि हाँ यार कोई किसी एक चैनल ने इंटरव्यू लिया था तो एटलीस्ट फालतू सवाल नहीं पूछे, तो एक अच्छा यू नो याद अच्छी रह जाती है, मेमोरीज बन जाती है। सही में, आई होप, आई होप ये मेमोरी अच्छी बनी हो। बोलती मेरे मुंह पे जो आता है मैं बोल देती हूँ, फिर मैं रिग्रेट करती हूँ, मैंने कहा ये क्यों बोल दिया, फिर मैं वीडियो देख रही हूँ, मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था तो ये मेरा बहुत होता है, लेकिन आई होप कि ये सब अच्छा हो, जो लोग इस वक्त हमें लाइव में ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, ये इंटरव्यू मूवीज अड्डा पर अपलोड हो जाएगा, तब आप जाकर देख सकते हैं, और जो भी सवाल है अगर नवदीश से और भी बहुत सारे सवाल करने हैं, तो अभी लॉकडाउन तो लंबा चलने वाला है, तो हम ऐसे ही एक और बार नवदीश के साथ लाइव आ जाएंगे और फिर आप अपने सवाल वापस से पूछ सकते हैं। आई होप नवदीश वापस आएंगे लाइव हमारे साथ फिर कभी। यस
कोई चक्कर नहीं, ऑफकोर्स यार, क्यों नहीं आऊंगे डार्लिंग, ऑफकोर्स गाइस फॉलो कर लो मूवीज अड्डा को जल्दी से, भाग के डुन 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 भाग के मूवीज अड्डा यस को फॉलो कर लो यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी। और नबीश अगर बिग बॉस में आती है तो हम सबको पटाख से उन्हें वोट करके यू नो बिग बॉस का विनर भी बनाना है। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, अभी इस तरीके से हमारी बातें जो है वो होती रहेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हे आपके मुंह में मैं तो चाहती हूँ सरस्वती बैठी हो अभी। मेरे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर जी, तो थैंक यू सो मच नबीश बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। आई होप कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो हम लोग आमने सामने मिलकर एक बढ़िया सा इंटरव्यू करें। हाँ जी जरूर, थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय। तो गाइस ये थी नवदीश जिनको आपने मुझसे शादी करूं के घर में देखा। अब फाइनली लॉकडाउन के सिलसिले में हमने उनसे बातचीत की, लॉकडाउन टॉक्स हमने किया, और अब ये इंटरव्यू जो है कल तक अपलोड हो जाएगा। आप लोग जाकर ये इंटरव्यू दोबारा देख सकते हैं। और कल मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू करने जा रही हूँ जिनको आप सबने मुझसे शादी करोगे में ही देखा हुआ है। सो रेडी रहिएगा इस नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, एंड तब तक के लिए